आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, घर का भी टाइम का भी बचत और पैसों का भी बचत। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला टिप मेरा इस तरह से ज्वेलरी को लेके है। तो दोस्तों ज्वेलरी जब हमारी गंदा हो जाती है, जब हम पहनते पहनते इस तरह से हमारी जब ज्वेलरी गंदा हो जाती है, हार हो गया आपका कोई भी ज्वेलरी गोल्ड की है, तो दोस्तों इस तरह से जब गंदा हो जाता है तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें सुनार के पास ले जाना पड़ता है। सुनार के पास ले जाते हैं तो उसमें कटौती काटता है और पैसे लेते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ हम फ्री का ही करें, अपने घर में ही करें। तो चलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और पानी डालने के बाद मुझे इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी। तो दोस्तों मैंने हल्दी डाल दिया है और हल्दी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। और मुझे इसमें क्या करना है तो देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से डालने के बाद आप इसको इस तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों आप पहले में अब में इसका रिजल्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छा इसका लुक आ जाएगा और काफ़ी इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों ये मेरा 10 मिनट हो चुका है। 10 से 15 मिनट तक के मैंने इसको छोड़ दिया था। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद मुझे करना क्या है, इसको तो मुझे थोड़ी सी इस तरह से हाथों से रफ कर देना है, जो भी इसमें थोड़ा गंदापन है बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। तो चलिए मैंने इसको हाथों से रफ कर दिया। अब मुझे लेना है एक टूथपेस्ट ब्रश, जो आपके पास ख़राब है उससे आप इसको थोड़ा सा इस पर प्रेस कर दीजिए, हल्के हाथों से, भारी हाथों से नहीं करना है। तो चलिए मैंने हल्को हाथों से इसको मैं इस तरह से प्रेस करके दिखाती हूँ कि इसका आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह से ब्रश से अच्छी तरह से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं ब्रश से इसको प्रेस कर लूँगी अच्छी तरह से हल्के हाथों से, तो इसकी जो क्लियरिटी है बिल्कुल ये जितना इसमें मेल वगैरह गंदा हो रखा है बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपकी ज्वेलरी वगैरह इस तरह से गंदा होता है तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको साफ पानी से इसको साफ़ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे पहले में अब में कितनी क्लियरिटी आ चुकी है। मैंने कानों का इयर रिंग लिया हुआ है, बिल्कुल पहले में अब में काफ़ी ये क्लियरिटी आ चुकी है। तो देख पा रहे होंगे आप काफ़ी साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके घर में इस तरह से ज्वेलरी वगैरह हो गया, अंगूठी वगैरह हो गया, इयर रिंग हो गया, गले का हो गया, तो इस तरह से आप अपने गोल्ड को इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इसको आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से नींबू को लेके है। तो दोस्तों जब भी हम नींबू को इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद हम इसका जो छिलक है ना, हम इसको फेंक देते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, इसको फेंकना नहीं है, इसको हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम इसको नींबू को तो यूज़ कर लेते हैं पर इसका जो छिलक है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम इसके छिलक का जो है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं इसको कैंची की हेल्प से इसको बारीक बारीक मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों जो ये छिलक है ये बहुत ही काम का होता है, इसको फेंके नहीं। तो चलिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है, तो आगे का रिव्यूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो छोटे छोटे आकार में मुझे कटिंग करना है, बड़े आकार में बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा बड़ा नींबू था तो मैं बड़े नींबू का ये देखिए एक ही पीस ली हूँ। और अगर आपके पास जो भी नींबू इस तरह से छोटे छोटे कई सारे नींबू इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरह से कई सारे नींबू को ले सकते हैं। चलिए मैंने कटिंग कर लिया है और मैं इसका रिव्यूज बताती हूँ। रस तो मैंने निकाल लिया है लेकिन ये बचा है नींबू का छिलका। तो देखिए मुझे करना क्या है, मुझे लेना है एक बॉटल। तो देखिए जो बॉटल हम पानी पीते हैं ना, वही बॉटल लेना है। तो बॉटल में मुझे ये छोटे छोटे आकार मैंने काटा है। तो बॉटल में करना क्या है, आपको इस तरह से नींबू को जो मैंने छोटे छोटे आकार में काटा हुआ है इसको आपको इसमें डाल देना है। तो दोस्तों क्या है ना कि हम नींबू का पानी पीते हैं तो नींबू का पानी आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से नींबू का छिलक डाल देना है। तो इसमें जो भी इसकी नींबू का छिलक का असर है बिल्कुल ही नींबू का ही असर आ जाएगा पानी के अंदर। तो दोस्तों पता ही पानी पीने से क्या होगा, आपके बॉडी पे भी काफ़ी असर पड़ेगा, आपको ये जो फिटनेस है काफ़ी अच्छा रखेगा, आपका वेट भी कम करेगा। तो दोस्तों कई बीमारियों में काफ़ी अच्छी तरह से फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम नींबू को धुल के रस निचोड़ लेते हैं। तो नींबू के छिलके को इस तरह से हम बॉटल में डाल देंगे और जब भी हमें पानी पीना है इस तरह से हम छलनी से छान के इसको हम क्यों ना इस्तेमाल करें, या तो दोस्तों आप इसको गिलास में भी डाल के ढक के रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ।
दोस्तों अगला ट्रिप मेरा इस तरह से प्याज को लेके। तो दोस्तों इस तरह से प्याज हम सभी के घर में इस्तेमाल होता है, तो क्यों ना हम इस तरह से प्याज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चलिए आज हम इस तरह से प्याज को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्याज हम सभी खाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम प्याज को कटिंग कर लिए हैं। अब प्याज को कटिंग करने के बाद इसका ये जो ऊपर वाला परत है ना, हम इसको निकाल लेते हैं, ये मोटे वाला हिस्सा। तो चलिए हम ये मोटे वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, ये हमारे बहुत ही काम आता है, ये जो मोटे वाला परत है इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने इसको निकाल लिया है, अब मुझे करना क्या है, बिल्कुल एक एक लेयर निकाल लेना है। अब मुझे करना क्या है, तो देखिए मुझे इस तरह से निकाल लिया है, बहुत सारे हो गए हैं। तो मुझे लेना है एक सुई और धागा। तो देखिए मैंने ये सुई और धागा ले लिया है, और मुझे करना क्या है, ये जो प्याज का ये छिलक है इसको मैं इस तरह से इसके सुई के हेल्प से मैं इसमें डाल लूँगी। तो चलिए मैं सुई के हेल्प से मैं जितने भी प्याज ये मैंने निकाल रखा है ऊपर वाला परत, मैं इसको डाल लेती हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मैंने डाल लिया है, अब मैं बताती हूँ कि इसका रेज क्या है। आपके घर में कहीं भी अगर हैंगर है तो आप वहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए इससे हैंग करने से होता क्या है, मक्खी मच्छर छिपकली इस तरह से आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से क्या है ना, छिपकली ज़्यादातर तो छिपकली इससे बहुत ही दूर रहेंगी। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि प्याज की स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि छिपकली तो इससे दूर ही रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गर्मियों के दिनों में आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।